हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में स्टॉक प्राइस 3300 तक पहुंच गया, नया हाई बनाया। 3365 का नया हाई बनाया, अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। चार्ट पैटर्न के अनुसार डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट, चार्ट पैटर्न के अनुसार डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे। आने वाले समय में क्या ये अपना ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिख रहा है उसकी बात करेंगे। बुलिश मोड में एक तरह से बना हुआ है। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करते हैं एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का। आने वाले समय में देखिए इनका सेल्स बढ़ेगा, क्योंकि जो पिछले 1.5 साल से दिख रहा था जैसे लॉकडाउन था, तो एक तरह से एसआईपी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कम आ रहा होगा, तो स्टॉक भी एक तरह से डाउन ट्रेंड में ही था दोस्तों। अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली बीच में आती हुई दिख सकते हैं। तो जो निवेशक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है, एचडीएफसी एएमसी है और यूटीआई एएमसी है। जब उसका आईपीओ निकला था तो नीचे की तरफ ही था, वो वहाँ से बढ़कर लगभग 1200 तक गया है। बहुत सारे निवेशकों ने उसमें भी फायदा बनाया। और जो एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में ट्रैप हो गए थे पिछले साल जो गिरावट आई थी, तो देखिए अब स्टॉक ऊपर की तरफ है। आने वाले समय में उनको और बेनिफिट होता हुआ दिखेगा, बट ये कि समय लग सकता है। देखना पड़ेगा कि Q2 का रिजल्ट किस तरह का आता है और Q3 का, तो उम्मीद रहेगी कि अब इनका सेल्स बढ़ना चाहिए। तो सारा डिस्कशन, सारी चर्चा इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के बारे में, इसका जो मार्केट कैप है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, आपके मतलब का हो, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। एचडीएफसी एएमसी का जो मार्केट कैप है इस वक्त 70,000 करोड़ का हो गया है और फेस वैल्यू 5 रुपये का है। ईपीएस की बात करते हैं तो 64 का, बुक वैल्यू पर शेयर है 224 रुपया और एचडीएफसी ग्रुप का ये शेयर है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3 साल का रिटर्न है 101%, का 1 साल का रिटर्न कम है 38% का है और 3 महीने का जो रिटर्न है 6% का है। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस है पिछले 3 साल, 1 साल और पिछले 3 महीने का, और स्टॉक अपने हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है। दोस्तों, प्रमोटर की जो होल्डिंग है 73.88% की है और FIs की जो होल्डिंग है वो है 9.14% की और DIs की जो होल्डिंग है वो है 6.57 की। और जून 2021 तक है ये जो होल्डिंग है, जून 2021 पहली तिमाही तक है, और इसमें DIs ने हल्का सा एक तरह से बढ़ाया है अपनी होल्डिंग। दोस्तों, ये एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं तो स्टॉक प्राइस लगभग 3300 के आसपास है और हाल फिलहाल में जो हाई बनाया इसने 3365 रुपये का बनाया। अब इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा, जैसे कि अगर किसी भी निवेशक ने इसको लिया है, बाय किया है लोअर लेवल पे 2800 या 2700 या उससे भी नीचे का नीचे पे लिया है, तो इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा 3365 का रहेगा। दोस्तों, जब ये नीचे की तरफ कारोबार कर रहा था लगभग 2700-2800 के आसपास था, तो बताने की कोशिश थी होल्ड करना चाहिए। और देखिए ये मई के महीने में एक तरह से नीचे की तरफ था, फिर देखिए ये जुलाई के महीने में, तो 3-4 महीने के अनुसार जिन्होंने रखा है तो अच्छा एक रिटर्न मिला निवेशकों को। अब तेजी में है, बुलिश मोड में है, तो 3365 को अगर ब्रेक करता है तो सीधे से हमें ये 3470 और 3500 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है, यानी मीन 3470 या 3500 के आसपास अगर क्लोज हो जाता है, तब फिर हमें इसमें एक तेजी की संभावना रहेगी और वहाँ से और अपने हाई की तरफ जाता हुआ दिखेगा। दोस्तों, ये आने वाले 2-3 महीना या फिर Q2 का रिजल्ट बढ़िया आता है तो तेजी से स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है इसके लिए, 3365, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। उसके बाद लगभग 3470 से 3500 के बीच अगर ये क्लोज होता है तो 3800 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। या इससे पहले भी जो ट्रैप हुए हैं तो उनको एक तरह से अभी भी होल्ड करना चाहिए, और जिन्होंने 2700-2800 के आसपास लिया है तो स्टॉप लॉस अगर लगाना है किसी को और डिलीवरी वाइज में भी, तो जैसे कि आज का लो है ये 3165.40, तो ये इसको स्टॉप लॉस मान के चलिए प्रॉफिट वाला, और स्टॉक जैसे ही 3400 और 3500 के आसपास जाता है तो अपना स्टॉप लॉस को बढ़ा लेना चाहिए। 2-3% का एक तरह से स्टॉप लॉस होना चाहिए प्रॉफिट वाला, और जो डे ट्रेड कर रहे हैं उनका 2% का होना चाहिए। तो ये ट्रेडिंग के लिए है दोस्तों, और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक देखिए एक तरह से अच्छा स्टॉक है, अच्छे ग्रुप का स्टॉक है, बट ये है कि समय देना पड़ेगा, क्योंकि और इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़िया आएगा तो स्टॉक हमें और तेजी की संभावना रहेगी। दूसरा इंडिकेटर के हिसाब से देखते हैं तो देखिए RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में क्या हो रहा है, देखिए ये स्टॉक अभी पहुंच गया है 71, यानी थोड़ा बहुत अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो मुनाफा वसूली होते हुए दिख सकती है। तो दोस्तों, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अनुसार है, स्टॉक अप ट्रेंड में है,
और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अनुसार कारोबार करते हैं तो वो मुनाफा लेंगे, चार्ट पैटर्न के अनुसार है और RSI के अनुसार है, और स्टॉक एक तरह से अप ट्रेंड में दोस्तों। तो अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिनके पास समय है और समय देना चाहिए, और जो 3 से 6 महीना या साल भर देना चाहते हैं स्टॉक को नज़रों में रखना चाहिए। HDFC ग्रुप का शेयर है और ये दोस्तों प्रेजेंट टाइम के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण। दोस्तों YouTube चैनल इंडिया दीजा सिंह के स्टॉक्स में बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।